हमीरपुर जिला में आजकल टायर चोर गिरोह सक्रिय है। इस गिरोह ने कई दिनों से पुलिस के नाक में दम कर रखा है। ताजा मामले में इस गिरोह ने बीती रात को हमीरपुर में सड़क किनारे खड़ी नई कार को अपना शिकार बनाया है। रात के अंधेरे में ऑल्टो कार व ट्राले से टायर निकालकर चोरी को अंजाम दिया और रात के अंधेरे में रफूचक्कर हो गए। चोरी की यह वारदात साथ में स्थित दुकान की सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले भी सरकाघाट अवादेवी मार्ग पर हयोड़ स्थित हुई गाड़ी से चोरी के बाद उसी रात को कांगो का गलू नामक स्थान पर गाड़ी का टायर चुराने का मामला सामने आया था, तो अनुबल में भी इसी तरह की टायर चोरी की कोशिश की गई थी। जिला में एक महीने में टायर चोरी के 12 मामले दर्ज हो चुके हैं। विकास राणा ने अपनी गाड़ी सड़क किनारे खड़ी की हुई थी और चोर गाड़ी का पिछला टायर चुरा कर ले गए। बताया जा रहा है कि चोर इस मार्ग पर अभी तक आधा दर्जन गाड़ियों से छेड़छाड़ कर चुके हैं। वहीं प्रदीप कुमार ने चोरी के संबंध में अज्ञात लोगों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज करवा दिया था। असराना है, मेरे गांव का नाम दगनेड़ी है और मैं हमीरपुर का रहने वाला हूँ। मेरे घर बाईपास के ऊपर है। मेरी गाड़ी के 24 तारीख रात्रि 2:05 पे मेरी गाड़ी की टायर चोरी हुआ है और बाईपास मेन रोड के ऊपर मेरे घर हैं, तो मेरे टायर को जिन्होंने चोरी किया उनकी सीसीटीवी कैमरा फुटेज भी है मेरे पास और वीडियो रिकॉर्डिंग भी है उनकी। तो हमें अपने पुलिस पे भी और अपने सभी जो भी हैं एसएचओ साहब हैं या पुलिस वाले कोई भी हमारे भाई हैं उनके ऊपर हमें पूरा विश्वास है, वो आगे उचित से उचित कार्रवाई करेगी। चोरी की घटना ये एक नहीं, पूरे हमीरपुर में बहुत ज़्यादा हो रही है, एक नहीं, कम से कम उसी रात कुछ मेरे दोस्त साहब मुझे बताया गया है कि एक दर्जन से ऊपर टायर चोरी हुए और नई गाड़ियों के टायर चोरी हुए। तो चोरी की ये जो है ये कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। डीएसपी हमीरपुर हितेश लखनपाल ने कहा कि पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलिंग और गश्त बढ़ा दी गई है और जल्द ही चोर पुलिस की गिरफ्त में होंगे। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि वे अपने निजी वाहनों को गैरेज या सुरक्षित स्थान पर पार्क करें और शरारती तत्वों द्वारा गाड़ियों की छेड़छाड़ करने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें।